आप लोग बोलो तो मैं अभी जाके रोक दूं उनको। नहीं नहीं अब्दुल, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। हंस, अच्छा अब्दुल टप्पू सेना वापस है, इससे पहले तुम सोसाइटी में वापस आ जाना। हाँ, उनको पता नहीं चलना चाहिए तुम उनका पीछा कर रहे थे, और जैसे टप्पू सेना आती है मुझे फोन करना। ओके भीड़ भाई। गोली, गोली अपना लैपटॉप गिरवी कैसे रख सकता है? उसे पढ़ाई में तकलीफ ना हो इसलिए एक एक पैसा जोड़ के वो लैपटॉप दिलाया था। पूरे 1.5 लाख रुपए का था वो। और उसे हमारे फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। गोली ने एक बार भी नहीं सोचा कि जब ये बात हमें पता चलेगी तो हम पर क्या गुजरेगी। अरे कैसे सोचेंगे आती भाई, बच्चे कैसे सोचेंगे? उनकी आंखों पर झूठ का पर्दा जो पड़ा हुआ है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। टप्पू सेना ने तो आज हद पार कर दी है। झूठ का अंजाम तो देखो, माँ बाप ने प्यार से दिया हुआ लैपटॉप गिरवी रख दिया। आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं मैं माधवी? सच कहूं तो गलती मेरी है, क्योंकि टप्पू सेना का शिक्षा तो मैं हूं ना। नहीं नहीं भिड़े, तो अपने आप को दोष मत दे, गलती हमारी है कि हमने हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तेरे पास भेजा। नहीं मतलब मैं तेरा कुछ अच्छा बोलना चाह रहा हूँ, तो ये मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ भिड़े के, गलती तेरी नहीं है, तू अपने आप को दोष मत दे। दोस्त मेरी ही गलती है जेठालाल, बचपन से टप्पू सेना को मैंने ही सिखाया ना कि क्या सही है क्या गलत है। आज पता चला कि मेरी सारी शिक्षा व्यर्थ है। देखा ही नहीं, मैंने तय कर लिया कि इस बात का मैं प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। आहो मास्टर, दरवाजा खोलो। अरे भिड़े, अरे ये दरवाजा क्यों बंद किया भाई तूने? आहो, मैं नीचे जाके बालकनी से बेडरूम में जाता हूँ। नहीं नहीं सॉरी भाई, बालकनी एक ही है, वो भी हॉल में ही आती है। हाँ सबके फ्लैट में ऐसा ही है, तेरे फ्लैट में क्या बेडरूम में है क्या बालकनी? आहो भिड़े, एक मिनट जरा दरवाजा खोल तो सही भाई, एक मिनट डालो। और मैं की कहना, सब लोग हट जाओ, मैं दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। हाँ भाई पता नहीं क्या कर रहा है। हट जाओ, जो बोले। ओहो, ये सब क्या है? वो पीड़ू तो सोसाइटी छोड़ के जा रहा है। थोड़ी नहीं नहीं, मैं तनु कितना भी आ दूंगा। अरे थोड़ी मेरी बात सुन। नहीं तू पहले मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जा रहा है। मेरे मास्टर तू ऐसे सोसाइटी छोड़ के जा नहीं सकते। अरे आती भाई, मैं सोसाइटी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो कौन जा रहा है? मैंने तय किया कि माधवी। माधवी भाभी, आप मुझे घर से निकाल रहे हो? माधवी सोसाइटी छोड़ के नहीं जा रही है। तो कौन जा रहा है? सोनू। हाँ, मेरी प्यारी बेटी सोनू, जिस पर मुझे इतना नाज था, जिसको मैं इतना प्यार करता था, उसने झूठ बोला मुझसे। पर एक शिक्षक होकर खुद की बेटी को शिक्षा नहीं दे पाया। अहो, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा कुछ तो सोच लीजिए। माधवी, मेरा फैसला फाइनल है। टप्पू सेना के साथ मिलकर उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा यही है कि वो उसके काका के यहाँ गांव में रहेगी हमेशा के लिए।